थोड़ा सा एक सवाल जो हमेशा यूथ काफ़ी इस घोड़े से काफ़ी कनेक्टेड हो रहा है आजकल, और क्योंकि ये घोड़ा काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड लेवल पे और काफ़ी अच्छे लेवल पे इसका प्रोपागेंडा भी हो रहा है, सोशल मीडिया भी एक उसका बहुत बड़ा योगदान है कि इस घोड़े को काफ़ी ख्याति मिल रही है। तो यूथ कैसे इसमें आए और उसके आने के क्या उसको आने के क्या फ़ायदे हैं, यूथ क्यों आए इसमें इसकी तरफ, और क्या क्या एरियाज़ हैं, किन किन एरियाज़ में यूथ आ सकता है? लाइक बहुत सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि वो आके मैनेजमेंट संभालें, कुछ लोग आते हैं जो बेस लेवल पे ग्राउंड लेवल पे करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं हम दोनों तरफ ही नहीं, हम थोड़ा बहुत सीख के हम प्रोफेशनल लेवल पे इसकी ब्रीडिंग चालू करेंगे, ऐसा कुछ। तो थोड़ा सा पूरा एक ये समझाएं आप प्लीज़। नहीं देखिए, इसमें कई एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से घोड़े के रख रखाव के बारे में, घोड़े को समझना, घोड़े को राइड करना, स्पोर्ट्स में डालना, ये सारी चीज़ें अगर अपन जोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। इक्विस्टेरियन और हॉर्स मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और बहुत से लोग इसमें जुड़ करके अपने रोजी रोटी कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे ये कहूँगा कि हमारे पास यहाँ पर बहुत से नौजवान सिर्फ इसलिए आते हैं कि साहब मुझे राइडिंग सिखा दो और घोड़ों का मैनेजमेंट सिखा दो। हम उनको पूछते हैं भाई तुम क्या घोड़े रखोगे, कि नहीं रख तो हम नहीं पाएंगे, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी नहीं है, पर अगर हम यहाँ आपके यहाँ ट्रेनिंग लेके घोड़ा चलाना सीख लें, मैनेजमेंट सीख लें, तो हमारे को मिडिल ईस्ट में नौकरी पक्की है। और फटाफट इनका वीज़ा लगता है, और मैं तो ये कहता हूँ कि हजारों की तादाद में हमारे दुबई, कतार, कुवैत, ओमान, गल्फ कंट्रीज़ में बहुत से लड़के यहाँ राजस्थान के जो हैं वो वहाँ सब वहाँ ग्रूम की नौकरी में लगे हुए हैं और राइडिंग कर रहे हैं और अच्छा खासा वो कमा रहे हैं। तो ये सर, तो इसका क्या, अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो क्या पे स्किल्स का रहता है अगर यूथ में थोड़ा जानना चाहता है तो? नहीं, वहाँ तो जो इनको देखिए मिल रहे हैं 30,000 रुपये से 40,000 के बीच में भी मिल रहे हैं जी। अब इंडिया में वो इतना नहीं कोई दे पाता है। इंडिया में हमारा मैक्सिमम अगर है अच्छा राइडर भी हो तो 20,000 से ऊपर नहीं कमा रहा, 15-20, तो वहाँ उसको डबल पैसे मिल रहे हैं, डबल पैसे। और फिर जब वो ग्रूम वाली कैटेगरी से निकल के जब वो आगे जाता है उसमें राइडर की कैटेगरी में जाता है तो और उसको फैसिलिटी मिलती है वहाँ, तो उस प्रकार से बड़ा एडवांटेज है। तो इसमें मतलब इसमें कैटेगराइज किया हुआ होता है वहाँ पे सब सेम नहीं है, सब सेम नहीं है आपका स्टेबल में ग्रूमिंग का काम करना, ग्रूम की हैसियत से रहना, जैसे अपने अपने यहाँ उसको सईस कहते हैं, फिर उसका आप राइडर में आते हैं कि आप ट्रेनिंग में आ गए, तो फिर ग्रूम्स अपना काम कर रहे हैं, आप तो सुबह आएंगे घोड़ा लेंगे उसको ट्रेनिंग देंगे उसको राइड करेंगे वो सब करेंगे, और तीसरा वो जब और लेवल पर आगे चले जाता है तो वो कंपटीशन लेवल में उतर जाता है, तो उसके हिसाब से उनकी ग्रेडिंग बढ़ती जाती है, ग्रेडिंग बढ़ती जाती है। और दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत जरूरी है वो है घोड़ों का पैर के रख रखाव, नालबंदी जिसे कहते हैं, नाल लगाना। अब डूंडलोद में हमारे पास एशिया का एकमात्र फेरियरी स्कूल है जो जस्ट स्टेबल के सामने ही है। हाँ, जो बिल्कुल स्टेबल के सामने है, स्विट्जरलैंड से वो है और वो इसकी ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पर लोगों को, और पूरा स्टेटस बढ़ गया है जी। मेरे जब घोड़े रखना शुरू किया था मुझे मालूम है कि नालबंद नहीं मिलता था, नालबंद नहीं, हमको फौज से किसी आदमी को बुलाना पड़ता था कि भाई तुम आके नालबंदी कर दो, और या वो रामगंज बाजार में वो टांगे के घोड़े के पास में सड़क पे बैठा चीनी हथौड़ी से काम करता हुआ मिलता था। पर अब स्टेटस इतना अच्छा हो गया है, बहुत स्टैंडर्ड हो गया, बहुत अच्छी विदेशी गाड़ियां रख ली, बहुत अच्छी तरीके से हो गया, बहुत अच्छी कमाई का साधन हो गया, अच्छी कमाई का, तो वो भी अच्छा चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स से मतलब आप यूथ के लिए ये पॉइंट्स हैं कि आप इनमें आके अपना जीवन यापन या फिर आगे के जीवन इसको इसमें चला सकते हैं। तीसरी चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स, जो अपन स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं जी, देखिए करीब करीब सब सरकारें स्टेट गवर्नमेंट्स, मैं तो ये जानता हूँ कि हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ तो पक्का ही मुझे मालूम है, कर्नाटक भी है, सब जगह ऐसा सिस्टम है कि जब अगर आप इक्विस्टेरियन इवेंट में आप गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल लाते हो तो आपको कैश अवार्ड मिलता है। अब एक अवार्ड अगर गोल्ड मेडल एक लड़के को नेशनल में मिल गया और उसको 2,00,000 रुपए की कैश अवार्ड मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और उसी प्रकार से स्टेट लेवल,
स्टेट लेवल में अभी जो हमने स्टेट चैंपियनशिप करी है उसमें जो मेडलिस्ट हैं उनकी लिस्ट हम सरकार को देंगे और उनको भी 75,000 1,00,000 1,25,000 का उनको भी ग्रांट मिलेगा, ग्रांट मिलेगा। और खास तौर से राजस्थान में जो हमारे पिछले मंत्री जी थे जी। उन्होंने तो यहाँ तक इसको बढ़ावा दिया है स्पोर्ट्स में कि जो राजस्थान के लिए खेलेगा, अगर डोमेसाइल राजस्थान का होना चाहिए रहने वाला, और अगर राजस्थान टीम से वो नेशनल चैंपियनशिप खेलता है जी। तो खेलने पे भी उसको 2% की जॉब रिजर्वेशन है सरकार में। तो ये कितनी बड़ी चीज है, अचीवमेंट है। और हमारे पास में हर साल पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री, CRP, ये SSB, इन सब लोगों से जो भर्तियां होती है इसमें उनके हमारे पास डिटेल आते हैं और वो उसमें खास तौर से इक्विस्टेरियन के लिए जगह रखी जाती है, जगह रखी जाती है। तो ये तो लड़के सीखते हैं और जाते हैं हमारे यहाँ से। और एक कंपनी और आपको बताऊंगा, एक RVC रिमाउंट वेटनरी मेरिट में जो है, RVC कहते हैं उसको, रिमाउंट वेटनरी कोर, वहां पर एक कंपनी है उसको कहते हैं बॉयज कंपनी, बॉयज। उसमें बच्चा 10वीं क्लास से लेकर के ऊपर तक, और 10वीं तक भी जा सकता है, छोटे बच्चे भी जा सकते हैं जो घुड़सवारी जानते हो, उनको वो एडमिशन देंगे वहाँ। और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा खर्चा उसके स्कूलिंग का, उसके हॉस्टल का, रहने का, खाने का, सब सरकार देगी। और जैसे ही वो पास आउट होगा वो आर्मी में भर्ती हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा उसको क्या और क्या उसको मिलना चाहिए। तो दैट्स वेरी वेरी ग्रेट थिंग। आप ये पॉइंट्स जो है लोगों को पता ही नहीं है, कि लोगों को लगता है कि सिर्फ घोड़ा घोड़ा पालना मतलब घोड़े को पकड़ के भगाना दौड़ाना और उसको ऐसे, ये तो गलत शौक है, ये तो जुआ है और ये तो ये है, और ये सब वर्ड्स के बजाय आप लोग डिटेलिंग में जाएंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप लोग इस इन चीज़ों को सीखें, समझें। और भी कुछ गाइडेंस आपको इस वीडियो के बाद भी आपको चाहिए तो इट्स ओपन कि आप सर से कभी भी कॉल करके बात कर सकते हैं इस बारे में। तो ये इस लेवल पे आप सीखिए, करिए, आप घोड़े के को लेके बहुत आगे तक जा सकते हैं। सो सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना अमूल्य समय दिया डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल को। बहुत सारे पार्ट्स बनाने का मन कर रहा है, बहुत लंबे वीडियो बनाने का मन कर रहा है, क्योंकि अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाएगी और अच्छी बातें हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे, कुछ जेन्युइन चीज़ें लोगों तक पहुंचेगी। तो एक वीडियो में सब बातें पहुंचना या दो वीडियो में सब बातें पहुंचना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग एक नेक्स्ट पार्ट में कुछ और पॉइंट्स पे हम लोग सर से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।